अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को मॉडर्न साइंटिस्ट के द्वारा तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हिपेटोकॉक्सिडा, सेकेंड इज एंथोसिरोटॉक्सिडा एंड थर्ड इज ब्रायोप्सिडा। तो इन तीनों का वन बाय वन जो है हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हिपेटोकॉक्सिडा का। अगर जब हम हिपेटोकॉक्सिडा की बात करते हैं तो यहाँ सिंपल ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट का सबसे सरलतम जो समूह है वो हिपेटोकॉक्सिडा है। इन्हें सामान्य तौर पर लिवर वर्ड्स कहा जाता है। इन्हें सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? लिवर वर्ड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इनका जो थैलस होता है वो लिवर शेप्ड होता है, लिवर की आकृति का होता है। इनका जो पादाब होता है वो कैसा होता है? लिवर की आकृति का होता है। इस कारण से इन्हें लिवर वर्ड्स कहा जाता है। नाउ कम टू द मेन कैरेक्टर। प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफिटिक। इनकी जो इनका जो पादप शरीर होता है, पादप काय होता है, वह गैमेटोफिटिक होता है। ठीक है, गैमेटोफिटिक होता है, युग्मकोद्भिद होता है। और यह गैमेटोफिटिक थैलेकॉइड होता है और रेयरली ही फोलिएज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, गैमेटोफिटिक कैसा होता है? गैमेटोफिटिक या तो थैलेकॉइड होगा या फिर कैसा होगा? फोलिएज आकार का होगा। और फोलिएज जब होता है तो वो रेयरली होता है। फोलिएज का मतलब है लीफ लाइक, है ना, पत्तियों के समान। और पत्तियों के समान रेयरली पाया जाता है। जनरली ये कैसा होता है? थैलेकॉइड होता है, विच इज नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीव्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। इस जो राइजॉइड्स आर नॉन सेप्टेड। भाई जो प्लांट बॉडी जो है वो किस किस में डिवाइड है भाई? सीधी सी बात है, इसे तीन भागों में डिवाइड है। एक होगा राइजॉइड्स, ठीक है, दूसरा होगा क्या? स्टेम। और तीसरा किसमें होगा? लीव्स। ठीक है, अगर हम राइजॉइड्स की बात करते हैं तो ये जो राइजॉइड्स है वो कैसा होगा? नॉन सेप्टेड होगा। ठीक है, नॉन सेप्टेड होगा। और टू टाइप्स के होंगे। एक होगा कंदिल, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलेटेड। ठीक है, ट्यूबरकुलेटेड। और दूसरा होगा स्मूथ वॉल्ड। तो यहां पर समझ में आए ये राइजॉइड्स कैसे होंगे? राइजॉइड्स एक तो नॉन सेप्टेड होंगे और या फिर दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट ट्यूबरकुलेटेड हो सकते हैं या फिर स्मूथ वॉल्ड, चिकनी दीवार वाले हो सकते हैं। तीसरा कैरेक्टर देखें, इनका जो गैमेटोफिटिक प्लांट है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एसिमिलेटरी जोन और दूसरा जो है वो स्टोरेज जोन। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसको दो भागों में बांट रहे हैं। एक कौन सा हो गया भाई? एसिमिलेटरी जोन। एसिमिलेटरी मतलब स्वांगीकरण भाग। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? स्टोरेज जोन या संग्राहक जोन। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है और कैप्सूल के अंदर कॉलिबेला जो है वो एब्सेंट होता है। इनकी जो कोशिकाएं हैं, हिपेटोकॉक्सिडा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है? हिमेटोफिटिक होती है। तो देखिए, इनकी जो सेल्स होती है, ये सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं बट पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट। पायरिनॉइड इसमें कैसे? एब्सेंट, इसमें पायरिनॉइड नहीं पाए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया आदि इसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम देखते हैं एंथोसिरोटॉक्सिडा। एंथोसिरोटॉक्सिडा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न लाइक होता है, सींग के समान होता है। इस कारण से इनको हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ये जनरली हिपेटोकॉक्सिडा और ब्रायोप्सिडा के जो कैरेक्टर्स का मिला जुला समूह है। ठीक है, कैसा है भाई इनका? हिपेटोकॉक्सिडा और ब्रायोप्सिडा के इसमें मिले जुले कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो जरा देखिए इसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफिटिक है, युग्मकोद्भिद है। और यहां थैलेकॉइड, विच इज थैलेकॉइड, जिसपे
सेल्फ एब्सेंट होते हैं, स्केल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर चले तो इनके जो रॉयजाइड्स होते हैं वो नॉन सेपरेटेड होते हैं, नॉन सेपरेटेड है, साथ ही ये केवल एक ही प्रकार के हैं, स्मूथ वाइल्ड, ठीक है। यहां पर आप पहले वाले इसमें देखे थे ये ट्यूबरकुलेटेड भी थे और स्मूथ वाइल्ड भी थे, लेकिन यहां पर कैसे ये नॉन सेपरेटेड होने के साथ साथ ये स्मूथ वाइल्ड है। चलिए आगे देखिए, तो इनका जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है और दो भागों में बटा होता है, एक होता है सीटा और दूसरा होता है कैप्सूल। अगर हम इनके कैप्सूल की बात करें तो इनके जो कैप्सूल है, इन कैप्सूल में कॉलम्बेला प्रेजेंट होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है इस कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है पायरेनाइड उपस्थित होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि एंथोसिरोस और नोटोटाइलस, ठीक है, नोटोटाइलस। तो मेन कैरेक्टर्स पर कौन कौन से हैं भाई, ध्यान रखिएगा, प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक है, थैलेकॉइड्स है, दूसरे इसके राइजाइट्स कैसे हैं, नॉन सेपरेट के साथ साथ स्मूथ वॉल्ड है, स्पोरोफाइट विच इज सिलेंड्रिकल एंड डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल इन कैप्सूल कॉलम्बेला इज प्रेजेंट, ठीक है। सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट विच हैव पायरेनाइड्स, ठीक है, जिसमें की पायरेनाइड उपस्थित है, और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से भाई, एंथोसिरोस और नोटोटाइलस। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी क्लास ब्रायोप्सिडा की। पहले इसका नाम जो है वो मसाई था और इसी के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, मॉस कहा जाता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इनका जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होता है, जिसमें यह दो स्टेज में पाया जा सकता है, प्रोटोनिमा और फोलिएज। प्रोटोनिमा का मतलब है जब यह धागे के समान होता है तब तंतुवत होता है, तब ऐसी अवस्था में इसको कहा जाता है प्रोटोनिमा, और पत्ती के समान होता है तो ये क्या कहलाएगा, फोलिएज कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि इनके जो रॉयजॉइड्स है, रॉयजॉइड्स आर मल्टीसेलुलर ब्रांच एंड सेपरेट, इनके जो रॉयजॉइड्स है वो बहुकोशिकीय शाखित तथा पटयुक्त होते हैं, ठीक है। और इनका पूरा का पूरा जो गैमेटोफिटिक है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, राइजोइड्स, स्टेम्स और लीव्स में। चलिए आगे देखें, इनको जो इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इसके तीन भाग होते हैं, फूट, सीटा और लीव्स। ध्यान रखिएगा कि इनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है, फूट, सीटा और लीव्स में बटी होती है, ठीक है। इनके जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है, जटिल प्रकार का होता है, और इस कैप्सूल के अंदर कॉलम्बेला, ऑपरकुलम तथा डायफ्राम उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा ये कि कैप्सूल कैसा है, कॉम्प्लेक्स टाइप है, और इसके अंदर कॉलम्बेला, ऑपरकुलम और डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल की बात करें, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। उम्मीद करूंगा कि यहां क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ब्रायोफाइटा को जो है मुख्य रूप से तीन क्लास में बांटा गया है, पहली है हिपेटोकॉप्सिडा, दूसरा एंथोसिरोटॉप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा।